Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic of chapter 2, mobility. Okay, mobility of the charge carrier mu responsible for current is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field. Okay, simple formula of mobility is drift velocity by electric field. मतलब कहने का है कि electric field apply करने के बाद कोई कितनी velocity से electron move करते हैं, that is the mobility. Okay, mobility का मतलब ही क्या होता है, movement. Okay, तो यहाँ पे movement किस पे depend करेगी, drift velocity by में electric field. Drift velocity आपको पता है Vd by में, Vd का formula हमेशा याद रखना, आपने कैलकुलेट किया था EEM tau. ओके, ये फार्मूला हमेशा ही आपने रिमेम्बर रखना है, ये आगे जाके बहुत यूज होगा. तो यहाँ पे E को आपके U में चेंज कर दोगे क्योंकि ये चार्ज है, तो यहाँ पे जो टर्म E कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट होके Q tau by में M हो जाएगा. तो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, tau EM आ जाएगा. होल्स निकालनी है तो E की जगह यहाँ पे होल्स का टाइम आ जाएगा और मास आ जाएगा. ओके, इस तरीके से आप मोबिलिटी निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने रिलेशन निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करना. ओके, अब देखो, कंसीडर ए कंडक्टर. आपने कोई कंडक्टर ले लिया, उसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, तो वॉल्यूम आपको पता है क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा. वेरी गुड. ओके, अब मान लो इफ एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ओके, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एन है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर उस एन से मल्टीप्लाई कर दो, ए एल एन हो जाएगा. इफ ई, अगर ए के ऊपर चार्ज ई है तो सभी के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, ए एल एन. यहां से आज तक आपको आसानी से समझ आएगा. ओके, अब आपको ये पता है कि E इज इक्वल टू V बाय में L होता है, ये हमेशा याद रखना, E इज इक्वल टू V बाय में L होता है. ओके, ड्यू टू दिस फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर विल बिगन टू मूव ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से वो मूव करना शुरू कर देंगे. और टाइम आपको पता है क्या होता है, टाइम का सिंपल फार्मूला यहाँ पे यूज करो, डिस्टेंस. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी. तो टाइम इज डिस्टेंस क्या है, कितनी लेंथ है उस कंडक्टर की एल, और वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. तो करंट आई क्या होता है, क्यू बाय में टी, तो टी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की भी फाइंड आउट कर ली, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी हो जाएगा. ओके, आप आसानी से यहां से कर सकते हो. अब यहाँ पे आप मोबिलिटी से निकाला था, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई बाय मी, क्या किया था ना, क्योंकि मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से आप आई की जगह वी डी की वैल्यू पुट करके इसको चेंज कर सकते हो. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, तो वी डी की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वी डी की वैल्यू भी पुट कर लोगे, यहां तक आप आसानी से कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखते हैं. एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, दे रखा कॉपर वायर का, करंट उसके ऊपर दे रखा, डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे रखी है. ओके, यहां से आपने क्या करना है, क्या क्या दे रखे है उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करो. ए दे रखा, करंट दे रखा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं. ओके, पर यूनिट एरिया के अंदर दैट इज द डेंसिटी. आई का फार्मूला आपको पता है, एन ए एल वी डी होता है, तो वी डी का फार्मूला यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, आई बाई में एन ए, सभी की वैल्यू दे रखी है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इस तरीके से आप आसानी से इसको कर लोगे. ओके, नेक्स्ट ओम्स लॉ है. वैसे तो आपको ओम्स लॉ आपने 10th क्लास से किया है, आपको आता है, चलो हम इसको नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, तो आपका मंडे को जो टेस्ट है वो होगा आपका, किस चैप्टर में से लें टेस्ट, चलो ऐसे करते हैं, फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट था ना, फर्स्ट के लास्ट पार्ट में से आपका वो टेस्ट आएगा. ओके, फर्स्ट यूनिट के लास्ट पार्ट में से टेस्ट होगा, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.